कार्तिक आर्यन बायोग्राफी। कार्तिक आर्यन एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। कार्तिक का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 22 नवंबर 1990 को हुआ था। कार्तिक का बचपन में पूरा नाम कार्तिक तिवारी, जिसे उन्होंने बाद में कार्तिक आर्यन कर लिया। कार्तिक के माता और पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। कार्तिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों के ऑडिशन देने भी जाते थे। आई यूज्ड टू एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम न्यू बॉम्बे, मैं न्यू बॉम्बे में रहता था हॉस्टल में, वहाँ से यहाँ आता था लोकल ट्रेन से और 2.5 घंटा ट्रैवल करके फिर ऑडिशन देता था, फिर वापस जाता था, तो वो रिजेक्शन रोज होता था, फिर घर जाता था, फिर रिजेक्ट। कार्तिक एक्टिंग की बारीकी सीखने के लिए एक्टिंग स्कूल भी गए। मुंबई आने के बाद वह 3 साल तक स्ट्रगल किए फिल्मों में अपना करियर ढूंढने के बारे में। कार्तिक ने अपने घर वालों को तब बताया जब उन्हें उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा मिली। करियर। कार्तिक आर्यन हमेशा से ही एक अभिनेता बनने का सपना देखते थे और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने मॉडलिंग का सहारा लिया। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ कार्तिक ने अपने मॉडलिंग करियर को भी शुरू कर दिया था और इसी दौरान इन्हें इनकी पहली फिल्म मिल गई थी। इस मूवी का नाम प्यार का पंचनामा था। ये मूवी साल 2011 में बनाई गई थी। इस फिल्म को लव रंजन ने निर्देशित किया था और इस फिल्म में कार्तिक को रज्जो नामक एक युवा लड़के की भूमिका में देखा गया था। इस फिल्म में कार्तिक द्वारा 1-5 मिनट का डायलॉग बोला गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढते बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती, काम पर रखती, काम अच्छा लगे तो नौकरी परमानेंट, शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम ही, औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया, यानी गायब, पर्स में तो इनके मिस्टर इंडिया वाली खड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिवअप मारने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000। और उनका ये डायलॉग लोगों को खूब पसंद आया था, जिसके बाद साल 2013 में कार्तिक को फिर से लव रंजन ने अपनी अगली मूवी के लिए साइन कर लिया था और इस मूवी का नाम आकाशवाणी था। इस मूवी में कार्तिक ने आकाश नाम के एक लड़के की भूमिका निभाई थी और उनके साथ अभिनेत्री नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में थी। फैमिली। कार्तिक आर्यन के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी एक बहन है। कार्तिक के पिता का नाम मनीष तिवारी है और इनकी माता का नाम प्रगति तिवारी है और ये दोनों पेशे से एक डॉक्टर हैं। वहीं इनके बहन के नाम के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। गर्लफ्रेंड्स। 29 वर्ष के इस युवा कलाकार का नाम उनकी सहयोगी एक्टर नुसरत भरूचा के साथ जोड़ा गया था। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद एक दूसरे से अलग हो गए थे। इस अफेयर के बाद कार्तिक का नाम दंगल की अभिनेत्री फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा गया था। दरअसल इन दोनों ने एक साथ आकाशवाणी फिल्म में काम किया था, जिसके बाद इन दोनों को एक साथ काफी बार देखा गया था। वहीं कार्तिक ने कभी भी अपने इस अफेयर की औपचारिक घोषणा नहीं की थी। अवार्ड। साल 2011 में प्यार का पंचनामा फिल्म में कार्तिक द्वारा किए गए अभिनय के लिए उन्होंने स्टारडस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल का पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा कार्तिक को और भी श्रेणियों के लिए नॉमिनेट किया गया था, मगर वो इन श्रेणियों में अवार्ड नहीं जीत सके थे। कार्तिक आर्यन का नेट वर्थ। कार्तिक आर्यन का नाम बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार
यह पता चला था कि कार्तिक आर्यन सालाना 36 करोड़ रुपए कमाते हैं। वह एक फिल्म के लिए करीब 5 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों के साथ वह बोट, ओप्पो, फेयर एंड हैंड सम, वीट मैन, अरमानी एक्सचेंज वॉचेस और ITC एंगेज जैसी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स भी करते हैं। कार्तिक आर्यन कार कलेक्शन। वैसे कार्तिक कार के पुराने शौकीन हैं और उनके पास महंगी और लग्जरी गाड़ियों की भरमार है। कार्तिक आर्यन के पास मिनी कूपर, BMW 5 सीरीज और रॉयल एनफील्ड बाइक भी है। बता दें कि कार्तिक का अपना घर वर्सोवा में है। कार्तिक आर्यन के कार कलेक्शन में अब सबसे आगे उनकी लैम्बोर्गिनी खड़ी नजर आएगी। इस कार की कीमत इंडिया में 3.15 करोड़ से लेकर 3.43 करोड़ बताई जा रही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना